अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीसरा T20 बाबर आजम का इंटरव्यू भी दिखाएंगे। तीन बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताएं आपके ख्याल में कौन से खिलाड़ियों को बाहर करना चाहिए। दूसरा, T20 पाकिस्तान टीम क्यों हारी। यहां पर सबसे पहले पाकिस्तान टीम के अगर आप फैन हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं मेन टॉपिक की जानब, प्लेइंग 11 देखते हैं। मैच का टाइम टेबल भी तब्दील हो चुका है, वो भी यहाँ पर दिखाएंगे। नंबर 1 मोहम्मद रिजवान, नंबर 2 फखर जमान, नंबर 3 बाबर आजम कैप्टन, नंबर 4 की बात करें यहाँ पर उस्मान खान का नाम आता है, नंबर 5 की बात करें इरफान खान न्याजी, नंबर 6 पर नाम आता है शानदार इफ्तिखार अहमद ऑलराउंडर, नंबर 7 इमाद वसीम ऑलराउंडर, नंबर 8 की बात करें यहाँ पर शानदार मोहम्मद आमर, नंबर 9 की बात करें यहाँ पर हारस मौजूद हैं, बहुत ही शानदार हारस रॉफ फॉर्म में आ चुके हैं, नंबर 10 शहीन अफरीदी, नंबर 11 नसीम शाह। आपके ख्याल में मजीद कौन सी तब्दीलियाँ करनी चाहिए, कमेंट लाजमी करें। पाकिस्तान मुकाबला इंग्लैंड, तीसरा T20 टाइम टेबल तब्दील हो चुका है क्योंकि अब मुकाबला 27 मई को रात 10:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खेला जाएगा। यहाँ पर भी बराह रास्त होगा। अगर आप बराह रास्त देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ख्याल में मजीद कौन सी तब्दीलियाँ करनी चाहिए, कमेंट करें। शुक्रिया।